मैं हिंदी में बोलने वाली हूँ और मेरी जो लैंग्वेज है क्योंकि मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है और वो सारे दुनिया में पूरे वर्ल्ड में समझी जाती है फ़ोटोग्राफ़ी की लैंग्वेज जो फ़ोटो हम देखते हैं तो उसे बात करने की ज़रूरत नहीं होती है बट मैं अभी हिंदी में बोल रही हूँ क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती है और इसलिए मैं हिंदी में बोलने वाली हूँ अब मेरे पास जो भी ख़जाना है वो मैं बताने की कोशिश करूँगी और मेरे परिवेश में वो रहेगा आप उसको कैसा लेते हैं आपका नज़रिया उसमें रहेगा मैं अभी इस प्रोफेशन में फोटोग्राफी में और अभी एकेडमी और बच्चों को सिखाना बड़ों को भी सिखाना फ़ोटोग्राफ़ी किस प्रकार से की जाती है कैसे पॉपुलर हो इसलिए मैं काम करती हूँ लेकिन इस कला में आने के लिए मुझे जो भी संघर्ष करना पड़ा जिसका मैं अभी बताऊँगी आपको उस संघर्ष का यह मतलब नहीं है कि मैं उससे आपसे सिम्पति चाहती हूँ वो मेरा संघर्ष है और उससे ही मुझे ताकत मिली है इसलिए मैं बताऊंगी। यह नहीं है कि उससे मुझे सिंपति चाहिए कि मैं ऐसे ही परिवेश से आई हूँ तो इसलिए बताऊंगी कि मुझे वो मुझे अपने आगे काम करने के लिए मुझे हिम्मत देती है मैं बहुत छोटे गांव से आई हूँ और फिफ्थ में थी मैं और मेरी माँ ये सातवीं क्लास पढ़ी है लेकिन उसकी सोच जो है वो बहुत ब्राइड थी और इसलिए उसने अपने बच्चों को लेकर मेरा भाई पहले से ही नागपुर में था और उसे ऐसा लगा कि लड़कियां जो है वो मैं देहात में साथ में लेके रहूंगी रहूँगी तो ये खेत में जाएगी जबकि मेरे पिताजी ये प्राइमरी टीचर थे लेकिन उनकी सोच मेरी माँ की सोच से थोड़ी अलग थी और घर का कुछ आर्थिक बोझ होने के वजह से पिताजी को बहुत सारा आर्थिक परेशानी होती थी और हम नागपुर में भी शिफ्ट होने की हिम्मत नहीं कर रहे थे उतने में ही हमें एक कॉल आया एक खत आया मेरे मामा का कि यहाँ पे स्लम हो रही है और आप यहाँ पे आने के लिए तैयार हो तो आ सकते हैं मेरी माँ ने तुरंत अपने कान की कुड़िया तोड़ी जो कान का होता है और उस पैसे से हम नागपुर आए और हमने झोपड़ा डाला उस बस्ती में जिस बस्ती में बहुत ही सिस्टमेटिक नागपुर में आ, एक स्लम ऐसी है जो प्लॉट को बहुत मेजरमेंट करके आ, बनाया गया था उस स्लम में, में मेरा बचपना शुरू हुआ और उस स्लम से मेरी जर्नी शुरू हुई जब मैं स्लम में रही तो मेरे मुझे बहुत अच्छा एक यूनिवर्सिटी मिल गया मेरी लाइफ को स्टडी करने के लिए क्योंकि आपको आपके बचपन में जो मिलता है वही आप आगे जाकर उसको परस्यू करते हैं क्योंकि आप आर्ट में हो चाहे आप कोई भी ऑफिस में काम कर रहे हो आपका बिहेवियर उससे लग कर रहता है तो जब मैंने यूनिवर्सिटी मेरी झोपड़पट्टी थी या स्लम एरिया था और मेरी जो रहन सहन थी या मेरा जो इर्द गिर्द होने वाली एक्टिविटीज़ थी वो बहुत ही अनोखी थी जबकि मैं देहात से आई थी तो मुझे हिंदी नहीं आती थी मुझे मराठी नहीं आती थी मैं देहाती मराठी बोलती थी जब स्कूल में गई तो दिक्कतें आई वगैरह वगैरह बहुत सारे वो छोटी मोटी चीज़ें मैं बता बताऊँगी नहीं लेकिन बट इसमें हम जब सर्वाइव करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों होता होगा जब मैं स्कूल जाती हूँ मेरे बराबरी का बेंच पर बैठने वाला बच्चा जो है वो सब्जी रोटी लाता है और मैं क्या लाती हूँ तो मैं भूझा हुआ पोहा लाती हूँ वो भी बिना तेल का तो इसमें मुझे ये सोच आती थी कि हमारे बस्ती में झगड़ा क्यों होता है इतनी सी जगह के लिए दोनों आजू बाजू वाले क्यों झगड़ते हैं इस सोच को डेवलप होते होते मेरी माँ ने मेरी माँ जो है वो एक्टिविस्ट है वो वुमेन्स के लिए काम करती थी वो महिलाओं के लिए लड़ती थी महिलाओं के सवालों को लेकर वो उनको लेके जाती थी कि ये ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए अपने को पानी ऐसा नहीं ऐसा मिलना चाहिए वगैरह वगैरह तो उसका जो मुझे शिक्षा मिली वो कि आपके अधिकार के लिए आपको लड़ना चाहिए वो वहाँ से मिला और एक सोच मिली कि आपको सोचना कैसे चाहिए ये बहुत थॉट प्रोसेस जो है आपकी बनना बहुत ज़रूरी होती है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और वो बचपन मेरा स्लम में जाते रहा और मैं टेंथ में जब आई टेंथ के पहले ही नाइन्थ में मेरी माँ ने मेरी बाल बॉयकट कर दिया मेरा लंबा बाल था तो बोले कि ये बाल में बहुत टाइम जाता है उसका एक देखने का नजरिया था लड़कियों के तरफ उसने बालों के बारे में अभी आर्टिकल लिखा था फोर्टीन पेजेस आर्टिकल लिखा बाल पर सिर्फ इतना ब्यूटीफुल आर्टिकल है और वो उसने कहा कि आ ये बाल काट दो तुम तुम्हारा बहुत टाइम जाएगा इसमें कुछ नहीं कर पाओगे तो नाइन्थ में मेरा बाल काट दिया और नाइन्थ में जब बाल काट दिया तो मुझे ऐसा लगा कि यार ठीक है मेरे मुझे भी अच्छा लगा बॉयकट है तो लड़के जो है बस्ती के वो फूलन देवी बोलने लगे अब मुझे मालूम नहीं कौन फूलन देवी है मैं तो नाइन्थ में थी तो उतना कुछ ज्ञान नहीं था तब अभी ऐसे जैसे अभी का परिवेश है कि इंटरनेट है ये है वो है कुछ नहीं था टीवी भी बहुत चुने गिने घर में था देहात में जब थे तो रेडियो था सिर्फ तो वो जो था उसने कहा कि बाल काटना है और मुझे फूलन देवी बोलना शुरू कर दिए लोगों ने तो मुझे मम्मी के मम्मी को बताया मैंने फूलन देवी क्यों बोल रहे हैं तो बोले वो एक डाकू है और वो अभी छूटी हुई है कहीं तो भी मतलब ऐसा चल रहा है कि वो इधर आई है उधर आई है उसको पकड़ने के लिए बहुत पुलिस लग रहे हैं और वो उस, उसके कारण तुमको बोलते होंगे मैं पैंट शर्ट वगैरह सब अट करके तो तुमको बोलते होंगे कोई बात नहीं उसका किस्सा आगे हम करेंगे कि फूलन देवी का क्या हुआ और मेरी माँ जब काम कर रही थी बस्ती में तो कुछ बस्ती में गुंडे थे नेचुरली हमारे रात में जो लोग थे काम पर जाते थे ज्यादातर डिफेंस के लोग थे तो रात में घड़ी रख कर जाते थे क्योंकि तब कई फोन नहीं था कुछ नहीं था तो कुछ घटना हुई तो कितने बजे हुई तो घर में भी एक घड़ी होती थी तब वॉच तो कभी कोई चाकू लेकर घूम रहा है कोई भी कुछ बीवी को मार रहा है कुछ हो रहा है ऐसे सब होता था तो वो उन घटनाओं को मम्मी जो है वो समझाती थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए तो गुंडों को भी समझाती थी ऐसा क्यों करता है वैसा क्यों करता है तो एक दिन मैं मेरे भाई कहीं नौकरी में गए थे तब मैं टेंथ में थी टेंथ या एलेवन्थ में थी मैं और एक पैदल मैं गड्ढा था तो मैं गाड़ी ऐसे ही लेके आ रही थी कभी कभी गाड़ी लेके जाती थी बड़ी हिम्मत से तो एक दिन मैं लेके आई तो उसने मेरे हाथ पर सिगरेट जलाया एक व्यक्ति ने वो पी रहा था और आके बुझा दिया तो मुझे समझ में आया देखा मैंने तो ये तो गुंडा है तड़ी पर गुंडा है बस्ती में आके रह रहा है तो मैंने आवाज़ लगाई क्यों जेल की हवा कम हो गई क्या तो वो चुपचाप चले गया बाद में घर में आके मैं मम्मी थी नहीं मैंने उसको ढूंढा कहाँ है करके तो उसको बताया फिर ऐसा ऐसा रमेश ने मुझे ये किया सिगरेट जलाया और तो उसने एकदम दो चार लड़कों को बुलाकर आवाज़ दिया कि वो रमेश को बुलाओ उसको बुलाया शाम को वो मेरी सिस्टर सोई थी और उसके बाजू में जाके उस, सिस्टर मेरी बहुत छोटी थी मुझसे तो वो जाके बैठ गया कटिया पे और उसके इसमें वो था चाकू था और मुझे बोला पानी लाओ मम्मी थी अच्छा हो गया तो मम्मी बात करी थी उससे कि ऐसा क्यों किया वगैरह वगैरह नहीं 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 मैंने नहीं किया मैं बोली यही तो था ऐसा सब होने के बाद मम्मी ने उसको हिम्मत से बोला कि कौन है फिर ढूंढ के लाओ तो इस प्रकार के किस्से छोटे मोटे होते रहे और उसके बाद मेरी माँ ने जो मुझे शिक्षा दी कि अपने लड़कियों को आपको अपने लड़कियों को कैसे रखना है ये उसने अपने खुद के लड़की से समझा और उसने मुझे कभी टोका नहीं मैंने एलेवन्थ में मेरी स्टूडेंट uh, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया आंदोलन में जाना शुरू कर दिया स्टूडेंट के विद्यार्थियों छात्रों के लड़ाई के हक के लिए मैंने लड़ना शुरू कर दिया uh, मुंबई तक दिल्ली तक जाती थी मैं उस बीच एक आंदोलन हुआ उस बीच uh, लाठीचार्ज हुआ उस बीच uh, मुझे जेल हुई तीन दिन की और हम लोग छब्बीस लोग अट्ठाईस लोग जेल में थे और वो एक अनोखा मेरा जनी था 18 इयर्स में मैंने जेल भी देखा और बहुत मज़ा आई मुझे जेल देखने में सबसे बात करती थी और हम लोग देखते थे कि क्या होता है जेल में तो तभी मुझे अनुभव मिल गया कि जेल क्या है कैसे होता है तो वहाँ जेल में कोई खाना नहीं खाता था मैं अकेली खाना खाती थी क्यों क्योंकि मेरे जेल के खाने में और मेरे घर के खाने में बहुत अंतर नहीं था मेरे डैडी ट्वेंटी ईयर्स देहात में रहे वो आते जाते रहते थे मंथली और हम लोग जो है वो जो पैसे भेजते थे उसमें ही हमें करना होता था तो मैंने पुराने ही ड्रेस पहने हैं पूरे कॉलेज लाइफ में और उसमें ही मैंने गुजारा किया है तो हम अपनी जीवन को किस प्रकार से जाते मोर्चे में थे रहते हम लोगों में थे लेकिन हम अपने प्रश्नों को लेकर रोते नहीं बैठते थे कि मेरे पास ये नहीं है मैंने दुकान भी चलाया मैं जब बीमार थी झोपड़ा जब था हमारा स्लम एरिया में ये होता है कि जब नई बस्ती होती है तो उठने का डर होता है स्लम का तो वो पक्का झोपड़ा नहीं बना सकते आपको चार पांच तट्टे लगाना है जो भी आपको मिट्टी से लिपना है ऊपर तट्टा डालना है प्लास्टिक डालना है और उसके ऊपर फिर तट्टा रहता है तो वो हर समर में बदलना पड़ता है उसको चारों ओर से सिलना पड़ता है एक बार बारिश आ गई बहुत और वो एक कॉर्नर उड़ रहा था तो मैंने और मेरे भाई ने और मम्मी ने तीनों ने पकड़ के रखा वो इतना जबरदस्त हवा दून था कि पूरी बस्ती के कई झोपड़ियाँ उड़ गई टॉवेल जैसे दिखने लगे थे तटे सो so, पूरे घर में पानी भर गया लेकिन झोपड़ा उड़ने से बच गया छोटी जो बहन थी वो बहुत रो रही थी तो उसको एक सीमेंट का रूम बाजू में पीछे वाले घर में था उसको छोड़ के आ गई मम्मी इसको रखो आप तो इस प्रकार की घटनाएं बहुत सारी है जो हमारे बचपन को मैंने ट में अपने घर का बटन दबाया है इलेक्ट्रिक का लाइट का तो तब तक मैंने पढ़ाई मेरी जो है 10th की ट्वेल्थ की ये के की, की है तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ते समय आगे बढ़ते हैं तो आपको एक हिम्मत मिलती है क्यों हिम्मत मिलती है क्योंकि मैंने जब एक्टिविटी की तो मुझे सोच भी मिली कि मुझे एक्टिविटी एक्टिविस्ट क्यों बनना है क्योंकि हमारे यहाँ होने वाले प्रश्नों को हम किस प्रकार से देखते ये नहीं है कि नारा मार रहे है, कोई तो भी बोल रहा है करके मार रही ऐसा नहीं है हम अपने सोच से हम अपने सवालों को कैसे देखते हैं उसके ऊपर मैंने आ, कोशिश की और मैंने कॉलेज में भी मैं जब कॉलेज में थी नामांकित कॉलेज था नागपुर का लेडीज़ कॉलेज था वहाँ पे मैं इलेक्शन में भी खड़ी रही वहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी में भी इलेक्शन में खड़ी रही प्रेसिडेंट करके चुन कर रही झोपड़पट्टी में रहने वाली पहली लड़की प्रेसिडेंट बनी थी उस कॉलेज की जो साइकिल से आती है <coughs> तो उस वक्त बड़ा आश्चर्य किया गया था लड़कियाँ वोटिंग के लिए इतनी भीड़ कर दी गई वहाँ उस वक्त क्योंकि वहाँ तब इंग्लिश मीडियम की लड़की और जो बहुत अमीर हो जिसको डांस आता हो ऐसी ही लड़की चुनकर आती थी लेकिन मेरी फर्स्ट टाइम थी लड़कियां थर्ड ईयर में की लड़कियां बोलती थी कि हम पहली बार वोटिंग करने आएंगे मैंने अभी तक नहीं किया था बोले नहीं किया है तो इस प्रकार से एक चेंज लाने की कोशिश कॉलेज में भी बहुत सवालों को लेकर कॉलेज की लैब्स यदि ठीक नहीं है साइकिल स्टैंड नहीं है वाटर नहीं है फैन नहीं है उसके लिए भी लड़े तो बेसिकली हमारी लड़ाई जो है अपने आप से लड़ते लड़ते दूसरे सवालों को लड़ने की होनी चाहिए और फिर जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ और मैं अपने इस कगार पर थी कि मुझे कुछ करना है करियर को लेकर तब मुझे ऐसा लगा कि मैं बैठा काम नहीं कर सकती हूँ मैं दस से पाँच वाला नौकरी नहीं कर सकती हूँ इसलिए मैंने फिर फोटोग्राफी करना सोचा और फोटोग्राफी करते समय मैंने फोटो जर्नलिज्म चूज़ किया ताकि मेरी जो सोच है सवालों को लेकर या समाज को लेकर या एक्टिविटीज एक्टिविटी को लेकर उस सोच को पकड़कर मैं फोटोग्राफी कर सकती हूँ और मैं फोटो uh, जर्नलिज्म के थ्रू मैं दे सकती हूँ तो वो मैंने शुरू किया और उसके बाद मैंने फोटोग्राफी शुरू करने के बाद मुझे नेशनल डेली में आने के पहले इवनिंग पेपर में मैं काम करती थी उसके किस्से बहुत अनोखे है सुबह से लेकर रात तक शाम को पेपर निकलता था दिन भर काम करना था और ये हुआ कि मेरा जो अफेयर था वो एक्टिविस्ट एक के ही था जो मम्मी को ध्यान में आया कि ये अभी शादी हो जानी चाहिए क्योंकि पांच साल हो गए वो डिसीजन मैंने बहुत पहले ले लिया कि हमने शादी करना है और पाँच साल होने के बाद मम्मी का लग गया कि शादी कर लो अभी तो हमने मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने शादी कर लिया शादी इसे ऐसे इंसान से किया कि उसने शादी होने तक के ही नौकरी किया क्यों तो लड़का क्या करता है बताना पड़ेगा तो फिर वो खाने के लिए भी कुछ होना चाहिए मैं कुछ करती नहीं थी मैं पूरे कॉलेज लाइफ में बुक्स बेचती थी जहाँ पे भी कॉन्फ्रेंस हो कुछ हो तो मेरा खर्चा मैं निकालती थी एलेवें से लेकर ग्रेजुएशन तक घर से एक पैसा नहीं मांगा मैंने कभी और मैं बुक्स बेच कर ही मेरा जो भी पैसा आता था उसमें गुजारा करती थी इसके बाद फिर शादी हुई तो शादी हुई एक्टिविस्ट से और उसने नौकरी पकड़ा और वो बोला एक छः महीने बाद अब मैं नहीं करूँगा नौकरी तो मुझे पकड़ना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो मैंने सर्कुलेशन डिपार्टमेंट एक इंडियन एक्सप्रेस में लोकसत्ता में पकड़ा उसके बाद फिर मेरा फ़ोटो जर्नलिज्म का जर्नी शुरू हुआ 1993 से और 1993 में मेरा फर्स्ट फोटो आ, पहले इवनिंग पेपर में छपा और उसके बाद इवनिंग पेपर में कुछ दिन रहने के बाद कुछ साल रहने के बाद 1995 में मैंने इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन किया जब मैं इवनिंग पेपर में थी तो हमारे घर का ऐसा जद्दोजहद चलता था कि फ़ोन नहीं है फ्रिज नहीं है आपके पास सिर्फ एक स्टो है और एक गद्दा है और एक रूम है उसमें आपको गुजारा करना है क्योंकि घर से कुछ नहीं आ, मिलना था घर में से बोले कि ये दस हजार लो आपको कैमरा ले, ले लेना है तब उसमें डाल लेना बाकी कुछ नहीं आपके पास एक रेंट पे रूम है एक गद्दा है एक खुर्ची भी नहीं है एक स्टो है और दो चार बर्तन हैं तो उससे गुजारा करते करते ऐसा हो गया था कि मैं रोटी बेलने के लिए रोटी बनाने के लिए भी टाइम नहीं था क्योंकि मेरा सुबह से असाइनमेंट होता था तो शाम को पेपर निकलने वाला है तो सात आठ बज जाते थे और यदि इवनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है तो फिर कंटिन्यू करो दूसरे दिन के लिए तो हमने बहुत दिन टिफिन खाया है बहुत दिन सिर्फ दाल चावल खाया है और ऐसे करते करते हम आगे बढ़े स्लेट थी हमारे यहाँ एक उस स्लेट पर लिख के रखते थे कि दूध गर्म कर दिया है आप दोपहर का कर लेना जो भी है हमें मैसेज देना था स्लेट पे लिख के रख देते थे, थे तो ये सारी जर्नी करते 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 हम लोग अब हमारे फिर हम प्रोफेशन को और बड़े तो बहुत सारी घटनाएं घटी सिक्योरिटी को लेकर लेकर घटनाएं होती थी क्योंकि लड़कियां आगे आने के लिए जब कैमरा हाथ में लिया तो मेल डोमिनेटेड फील्ड था और जब सोचते थे तो हम बहुत बड़ी चीज़ सोचते हैं लेकिन मेल डोमिनेटेड फील्ड में हम काम करने के लिए हमारे यहाँ परमिशन नहीं होती है तो हमें मेरी माँ ने पहले ही परिवेश में डाल दिया था कि आपको करना है तो आपको ऐसा काम करना है क्योंकि उसी ने देख के आई थी कि कहीं लेडी फोटोग्राफर पुणे में काम करती थी और उसने सोचा और मुझे टेंथ के बाद उसने ट्रेनिंग में डाला था तभी से मुझे लगा कि फोटो जर्नलिज्म करना है तो इस प्रकार से Uh, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी uh, फोटोग्राफी करते समय अड़चने आई हैं रात को जाना पड़ता था दो दो बजे तक जाना पड़ता था लेकिन मेरी बॉयकट मेरी लूना और मेरा uh, शूज़ ये लड़का है कि लड़की है पता नहीं चलना है इस परिवेश में मैं रहती थी तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं गया और मेरा डर मैंने मेरे स्टूडेंट एक्टिविटी में निकल गया था मुझे ट्रक में चढ़ना मुझे कहीं पे भी चढ़ना दीवार फाड़ना सारी चीज़ मैंने कर चुकी थी जेल जा चुकी थी तो इसलिए मुझे फोटोग्राफी में एक थॉट प्रोसेस और मेरा डेयरिंग ये दोनों काम आया और वो बहुत जरूरी है लड़कियों को यदि इस फील्ड में आना है और ये पेरेंटिंग में बहुत जरूरी है क्योंकि मेरी माँ ने कभी मुझे पूछा नहीं कि तुम इतने बजे क्यों आई हो रात को क्योंकि मैं एक्टिविटी में थी तो कभी कभी मुझे लेट हो जाता था साइकिल से मुझे मेरे एरिया में बहुत सुनसान रहता था तो मैं नहीं जा पाती थी इसलिए मुझे पत्थर हाथ में एक हाथ में ब्रेक ऐसा लेके मैं जाती थी एक दिन पत्थर एक स्कूटर वाले को इसलिए मारना पड़ा क्योंकि मुझे वो मार के चले गया था और मैंने उस जैसा स्कूटर में मारा उसके स्टेपनी में गुड़गुड़ -गुड की आवाज आया उसको लगा क्या हुआ उसने भग गया तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं कि लड़कियों को काम करते समय बहुत दिक्कतें भी आती हैं लेकिन उससे डर कर हम यदि घर में रहेंगे तो घटना होने वाली बाजू में भी होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जगह पे हमने सोचना ये जरूरी है कि कोई भी फील्ड हो हम काम कर सकते हैं और हमारे आने वाले पीढ़ी को हम किस प्रकार से देखते हैं क्योंकि जेंडर जो है वो आपके बाई बर्थ जो है वो है लेकिन हम उसको कैसा बनाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस फील्ड में मुझे बहुत कुछ सीखने भी मिला सिखाने भी मिला और अभी मैं बच्चों को सिखाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों ने इस फील्ड में बहुत बड़े पैमाने पे आने आ, आ, आना चाहिए था मेरे पास पॉइंट एक भी मैंने देखा नहीं ये सब बचा हुआ है तो टाइम बहुत कम है बहुत सारी घटनाएं हैं और फायरिंग है सिक्योरिटी है दौड़ना है भागना है बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन मज़ा आती है ज़िंदगी में तभी तुम ऐसी ज़िंदगी जियो जीना तो सब सब सभी जीते ना तुम ऐसी ज़िंदगी जियो कि दूसरे जीना सीखे धन्यवाद